नवापूर शहरातील महादेव मंदिराच्या मागच्या बाजूला रंगावली नदी किनारी धामण जातीच्या सर्पजोडीने 2 ते 3 तास एकाच ठिकाणी क्रीडा करत असल्याने परिसरातील नागरिकांनी गर्दी केली होती। नवापूर शहरातील नागरी वस्तीत सर्पमिलन बघण्यासाठी जमलेल्या गर्दीतून जागृत नागरिकांनी सर्पमित्रांना बोलावून त्यांना पकडून जंगलात सोडण्यात आल्याचे समजते। नवापूर शहरातील सर्पमित्र फिरोजभाई फॅन्सी यांनी धामण जातीच्या सर्पाबद्दल नवापूर लाईव्हला दिलेली माहिती उपयुक्त असून लोकांनी सर्पाबद्दल घाबरून न जाता सतर्क राहण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले। कॅमेरामन प्रेमेंद्र पाटील सह मंगेश अवले नवापूर लाइव न्यूज। मेरा नाम फिरोज फैंसी है, मैं एक सर्प मित्र हूँ और ये जो आपको दिखाया जाता है वीडियो ये है धामण। अपने यहाँ के लोग इसको धामण कहते हैं, गुजरात के लोग धामण कहते हैं। हकीकत में ये इसका नाम चिताड़ा है। चिताड़ा की पहचान यू आकार की मुंडी आती है और धामण जो आता है वो जरा त्रिकोणी मुंडी आती है और इसको मिलन के वक्त छेड़ने का नहीं रहता है। अगर इसको छेड़ो तो ये बहुत गुस्से में आ जाती है और कोई जो कोई भी सामने आता है उसे काट लेती है। तो बेहतर ये है कि अगर ये मोहल्ले में है, बस्ती में है, तो इसे सही तरीके से पकड़ कर दोनों को साथ में एक बॉक्स में उतार कर सही तरीके से जंगल में छोड़ दो, यही अच्छा रहेगा लोगों के लिए। आते हैं और उसे छेड़ते हैं तो खतरा रहता है जान का। वैसे देखने जाओ तो ये जानवर बिन जहरी आता है, जहरीला नहीं आता है। इसलिए इसे कोई यानी काटने से आदमी मरेगा नहीं, लेकिन उसको खुजाने जैसा 2-4 दिन होता है। अगर काट लेता है तो पीसे ली हल्दी उसे अच्छी तरह से घिस के लगा दो, जिससे 2-4 दिन में वो अच्छा हो जाता है।